खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और यहाँ मैंने प्रोनाउन स्टार्ट किया है। आजकल मैं वीडियो कम शूट कर पाती हूँ क्योंकि स्टडी भी है और थोड़ा काम भी रहता है, इसीलिए छोटी मोटी कोई वीडियो ऐसे शूट कर रही हूँ क्योंकि पूरा रूटीन शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये मैसेज है कि अपनी तरक्की में खुद को इतना बिज़ी कर लो कि आपको दूसरे के बारे में बात करने का मौका ही ना मिले, और फिर दूसरे आप लोगों के बारे में बात करें, आपकी तरक्की के बारे में बात करें। ऐसा हम लोगों को बनना है और ऐसा बन के हम लोगों को दिखाना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ाई करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। तो फ्रेंड्स, किस किस ने अपना प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आप सब ज़रूर बताना। मैंने कम्युनिटी भी डाली थी, कल मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरे दिन लाइट ख़राब थी, और एक तो गर्मी की वजह से और लाइट की वजह से मैं अपनी स्टडी प्रॉपर वे में नहीं कर पाई थी। प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो आज मैंने कंप्लीट कर लिया है और फिर मैंने इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी। बस इसी वजह से कि आप लोग किसी दूसरे को पढ़ता हुआ देखते हो तो अपने भी मन करता है पढ़ने का, इसीलिए शेयर करती हूँ अपनी जर्नी आप लोगों के साथ। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये मेरी जो वीडियोस हैं वो कैसी लगती हैं। आप लोग अगर कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के पास टाइम कम है फ़िलहाल, लेकिन जितना भी है आप प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके पास जितना भी टाइम है आप उसको भी वेस्ट ही कर रहे हो। और जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे उसका मिसयूज़ या वेस्ट ही माना जाएगा। अपने टाइम को यूज़ कीजिए, भले ही कम सही, आज आप जितना समय दे देंगे उतना फ्यूचर आप लोगों का सिक्योर हो जाएगा, उतना ही फ्यूचर आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। आज की मेहनत आपको कल दिखाई देगी, आपको कल समझ में आएगा कि हमने जो मेहनत की थी वो हमारे लिए थी, ना कि किसी और के लिए। तो फ्रेंड्स, किसी और के कहने से नहीं, अपने मन से पूछिए कि क्या आपको ज़रूरत है स्टडी की, आपने स्टडी क्यों स्टार्ट की थी, आपने फॉर्म क्यों डाला था, आप क्या करना चाहते थे। अगर आपको आंसर मिल जाए तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और अपनी स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।